गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब भाइयों? आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आप लोग सोच रहे हो सुबह सुबह नहा धो के पूजा आ चुकी है। बिकॉज मैंने कल वाले व्लॉग में आपको बताया था, आज कंचन मासी के घर में गुरुजी का सत्संग है। और मेरे पास ना एक कमेंट बहुत ज़्यादा रिपीट में आ रहे हैं कि आपकी मम्मी ने अभी तक आपके इन-लॉज को अपने घर नहीं बुलाया, आपकी किसी भी मासी ने आपको अभी तक डिनर पे नहीं बुलाया। सो जब पहला पग फेरा हुआ था शादी के बाद, हम लोग घर गए थे तो भाभी गए थे, मन्नू गए थे, परी गए थे, मैं गई थी। ठीक है, मम्मी है मेरी, वो मतलब ठंड के टाइम में ना वो बाहर ज़्यादा निकलते ही नहीं है। एंड हमारा सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर वो सुनते ही थोड़ा उनको होता है कि मैं सेकंड फ्लोर नहीं चढ़ पाऊँगी। इवन दो हमारे इस वाले अभी तक थर्ड फ्लोर पे भी मम्मी अभी तक नहीं आए, बिकॉज उनसे इतना सीढ़ी नहीं चली जाती, तो इसी वजह से वो अभी तक नहीं गए। एंड मासियों ने डिनर, हाँ कह दे डिनर अभी तक क्योंकि उन्हें बुलाया। ठंड भाई साहब इतनी ज़्यादा हो रखी, इतनी ज़्यादा हो रखी थी, खुद के घर के काम हो जाए अब तक तो वही लगता था कि अपना हो जाए तो ठीक है। तो आज भी मासी ने सबको ही बुलाया हुआ है, पूरी फैमिली को ही बुलाया हुआ है। वैसे तो डिनर अलग से होगा ही, पर एक मतलब मासी कह रहे कि गुरुजी का सत्संग है, सबको बुला रही हूँ तो तुम्हें ना बुलाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। सो एक फेरा भी हमारा हो जाएगा एंड लंगर प्रसाद में मतलब हमारा अगर वो हो रहा है, लंच हो रहा है, तो सबसे अच्छी बात है प्रसाद के रूप में हमारा लंच हो रहा है। और एटलीस्ट मेरा मासी के घर ना आना जाना स्टार्ट हो जाएगा आज के बाद। सो घर से अभी देखती हूँ कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा। मम्मी ने तो कल मना ही कर दिया था, मम्मी का मुश्किल है। पापा अपने काम पे जा रहे हैं, सुनील भैया शॉप पे, उनकी आपको पता है ग्रॉसरी की शॉप है तो वो बिजी ही रहते हैं ऑल टाइम। और भाभी का अभी कंफर्म नहीं है, भाभी से भी मैं पूछती हूँ क्या उनका सीन है। तो यही हो रहा है गाइज, बुलाते सबको ही है बट सबकी अपने, सब ना हमारे घर में ना सब बिजी ही रहते हैं तो वो रात में ही मोस्टली निकल पाते हैं। आपने जब भी देखा होगा हम लोग लेट नाइट ही निकले हैं, प्लान जो भी हमारा बना है इसी वजह से ही बना है। तो फिलहाल तो मैं अभी रेडी होती हूँ, सो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। तो अभी बस नीचे आई हूँ एंड ये हैम्पर रेडी करवा रहे थे वो जो लेके जाना है, पापा मेरी हेल्प करवा रहे हैं। मैंने कहा सर ठीक है, ये ठीक बन गया है ना ये वाला हैम्पर? ठीक है गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी सत्संग पे जाने के लिए एंड 1:30 हो चुके हैं। सत्संग की जो टाइमिंग है वो 1:00 की थी, तो हाफ एन आवर ऑलरेडी लेट हूँ। और पास होने के बाद भी लेट पहुँच रही हूँ, क्वीन लेट उठी थी तो सारी चीज़ें ही लेट हो गई। अभी बस निकलती हूँ एंड आज मैंने ये करा हुआ रेड वाला सूट जो भाभी ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, तो ये मैंने स्टिच करवा लिया था। मैंने कहा चलो आज ही वेयर कर दी हूँ। अभी मैं आप लोगों को इसकी फुल लुक दिखाती हूँ। मम्मी वगैरह सब, मासी सब पहुँच चुके हैं, मैं भी बस जल्दी से जाती हूँ एंड फिर आपको आगे अपडेट करते रहते हैं। सो गाइज, ये है सूट की फुल लुक। रेड कलर का बनारसी सूट है। अभी जब से शादी हुई है मैंने कोई भी बनारसी सूट नहीं वेयर किया, बिकॉज सूट जैसे वेयर करना स्टार्ट किए थे उसके बाद तो फिर विंटर आ ही गई थी, उसके बाद मैंने फिर अपने विंटर वेयर कपड़ों में आई गई थी। एंड ये वाली मैंने स्लीपर वेयर करी है जो कल लाई थी, मेरे को बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने कहा चलो आज ही वेयर कर ही लेती हूँ इसी के साथ में, जल्दी से बस मैं निकलती हूँ। चलो ठीक है जा रही हूँ। तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी इसी वजह से नहीं जा पा रहे गाइस। और पापा अपने काम पे जा रहे हैं, ठीक है चलो मैं हम छोड़ा हूँ फिर रेडी होके देख लेना कौन है। पूजा हाँ जी मम्मी, बेटा ये सूट तो बहुत प्यार लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लोड़ी से, लोड़ी वाले सूट से अच्छा लग, इसका कलर खिल रहा है ना, लाल है। लोड़ी वाला भी अच्छा लग रहा था, हाँ अच्छा लग रहा है। अपने अपने सूट की वो होती है, कहीं सूट खिल जाते ज्यादा। हाँ प्यार लग रहा है, बहुत सूट प्यार लग रहा है। हाँ मैं जल्दी से जाती हूँ, प्रसाद मैं आपके लिए पूरा लाऊंगी। हाँ मैंने तो बोला ही, मैंने सुबह बताया मैंने मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से मम्मी नहीं जा पा रहे। मम्मी को छोड़ो, मैं देख दूंगी मम्मी, मम्मी से बात कर लूंगी। ठीक है ठीक है, ठीक है डन, चलो मन्नू आ जाओ। Yeah।
अपने घर हमेशा आते रहना, सबके घर और सबके घर में आना, ऐसे ब्लेसिंग देना, सबको ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। आई संगत को ब्लेस करना गुरु जी, ऐसे ही अपने घर में आते रहना, ऐसे ही खुशियां बांटते रहना। गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत मुबारक हो, ऐसे ही आप खुशियां बांटना, सबके घर में आना, सबको खुशियां देना, सबको ब्लेस करना। जय जय गुरु जी। हेलो गाइस, प्रसाद बांटते हुए जी, आप जानते हैं सबको, पड़ोसी इनके हम रिश्तेदार भी है। हाय हेलो हाउ आर यू, भगवान जी बैठा मेरे पास ही, आपके पास लास्ट में आएगा, लास्ट में आएगा, आए 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 ओ थैंक यू जी। अभी बस प्रसाद आए हैं, मेरा भी आना बाकी है, तो मुझे ये मिला है प्रसाद पैकेट वाला और ये छोटी सी समोसी मिली है। गाइस प्रसाद भी आ गया है, प्रसाद में है दाल, मटर पनीर की सब्जी है, गाजर का हलवा है, सैलेड, रोटी और ये है यहाँ पे रायता, बूंदी का रायता। तो जल्दी से खाते हैं। पीहू मुझसे आज नाराज हो रखी है, मैं पी ले बाहर आ नहीं रही, मैं सबसे बात अभी सबसे मिल ही रही थी, मैंने कहा जो बात कर, अब तो कम हो गए, अब चले गए हैं काफी लोग, तो हम सब भी बैठ रहे थे मासी मासी, आ जा मजे करते हैं सबके साथ, अब सबको टाइम देना होता ना, बहुत टाइम बाद सबसे मिल रही हूँ तो फिर सबके साथ मन करता है। ओ लीली ली मीरे क्यूटी शब चाहिए है ना, क्यूटी शब चाहिए। नमस्ते भैया, नमस्ते जी, बस बढ़िया, आप बताओ। आज हम आती अभी डिम्बल नहीं आई, डिम्बल सर्विस पे, आज 26 के दिन, आज सभी है, मनु भी गए हुए, सबका यही हो रखा है। और कहाँ पे, उधर उत्तर नगर, तो मन लग गया, काम अब पूरा मन लग गया है, पूरा मन लग गया है। हाँ जी अच्छे से मन लग गया भैया, अच्छी बात, अच्छी बात, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। हाँ जी सब सही है, सब सही है, सब घर में सब अच्छे है ना। मैं शॉप पे गई है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा दी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मतलब हमेशा मिलते रहते थे गुरु जी के सत्संग में, मासी के हमेशा आए हुए थे, बट कभी ऐसा हमने कभी बात नहीं करी थी, तो आज चलो बात करने का मौका भी मिल गया, नए लोग मिलते हैं, नए लोगों को जानना भी। और मैं भी आपको देखती रहती हूँ, आपके बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक यू सो मच। शादी के बाद तो और ब्यूटीफुल हो गए, थैंक यू सो मच। अब जल्दी अब आपके बैंकवेट में प्लान करते हैं पार्टी वार्टी का, ठीक है, मासी तो जाती रहती है, मैं आपको कॉल करूंगी और मिलते रहेंगे अब। सो गाइस मैं यही अभी देख रही क्लिप, मैंने कहा मम्मी के साथ तो मेरे को ब्लॉग नहीं बना, वैसे तो कोई बात बात हो रही है पर बना नहीं ब्लॉग है ना, ये लो प्रसाद था। अच्छा हम तो अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने भी यू करते गए हमें टाइम नहीं दे रहे, मैंने कहा चलो अब तुम लोगों को टाइम दे दो, तुम्हारे साथ चलती हूँ। और बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और काको बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ चलती हूँ, तुमने कहा मेरा दिल मेरा मन कर रहा था दो दिन से ना, कहाँ मैं भी मन कर रहा है, मैं बोल दिया जाओ, वो मना नहीं करते कभी भी, वो हमेशा कहते चले जाओ। ये बच्चों का है देखो सारा, छोटे नहीं नहीं छोटे बच्चों का है, कोई नहीं, छोटे छोटे प्यारे बहने मेरी, मैं भी बच्चा आ जाओ, बच्चा आ
वो मेरा प्यार है, ये बड़ों का आशीर्वाद है, मना नहीं करते, ठीक है जो बंदा प्यार से करता है, ठीक है। अब दो रास्ते खुल गए, अब आ सकते अब आती रहूंगी है ना, तो पहले तो बाहर कहाँ मिले, पड़ोसी मिल जाएंगे, अब आना जाना घर पे है ना, बाकी ठीक है। मन्नू मन्नू आप अभी आए और ये सब अब जाने का सबका टाइम हो चुका है, मिल लिया सबसे इतने का, चलो मम्मी ठीक है, चलो मैं तो अभी बैठी हूँ तुम लोगों के पास, हाँ जीजू तुम्हारे साथ बैठे हैं, ठीक है। फिर एक दिन में मम्मी चांदनी चौक का प्लान बनाते हैं, कल का देखती हूँ, कल का बनता है तो ठीक है, हाँ एक बार चांदनी चौक में से चलते हैं, ठीक है कल देखते हैं, ठीक है थोड़ी एक्सप्लोरिंग भी कर लेंगे, वहाँ जाने का मजा तो जब सुबह सुबह निकल जाओ, 10-11 बजे निकल जाओ, टाइम से आ जाओ, 12 बजे घंटा पहुँचने में, टाइम से निकल पड़ेंगे कल ना, चलो बाय मासी, बाय बाय, चलो बाय मम्मी, बाय काकू। तो मन्नू थोड़ा लेट ही आए तो इसलिए अब मासी कह रहे कि खाना हम खा के रहे आए थे लंच की, मन्नू के पेट में तो बिल्कुल भी जगह नहीं थी, मासी ने कहा ब्रेड पकौड़े खा लेते हैं। और ये हैरानी की बात ये हमारे घर के सामने उधर ही है और मुझे ही नहीं पता वहाँ से आते हैं, हमेशा हम खाते थे मासी के यहाँ से, हमारे घर के उधर से आते थे और मुझे ही नहीं पता था, चलो इस बहाने आज पता चल गया। तो मासी ने मंगवाए ब्रेड पकौड़े और उसके साथ में बनी है कॉफ़ी, आपने नहीं खाना, नो वाई वाई मासी, बाय 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 पीले, बाय नोनी, बाय जीजू, बाय 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 बाय, चलो बाय मासी, चलो चलते हैं, अब आती रहूंगी ठीक है, हाँ हाँ डन डन ठीक है डन। तो बस अभी आई हूँ घर, आते ही बस भाभी कह रहे ठंड है तो चाय पी, भाभी ने फटाफट चाय बना दी है सबके लिए, हो ही रही है, मम्मी सब आपको मिस कर रहे थे, अब यही आया है कि फटाफट अपनी मम्मी भाभी सबको लेकर आओ। अरे मैं जाऊंगी, मेरी खुद तबियत ठीक है, पता है सुनील भैया ना मुझे कहीं जाने नहीं देता, कहता मम्मी घर रहो, हाँ जी तबियत खराब हो जाएगी, जब तक ठंड निकलेगी नहीं ना, मैंने बताया उन्हें ना, मार्च में ठीक हो जाती हूँ फिर चल पड़ेंगे, बस फिर जाऊंगी कुंदो आंटी आंटी नाराज ना आए, हाँ जी ठीक है, नहीं नहीं वो अच्छे हैं, वो सारी बातें समझते हैं, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ऐसे से वो मम्मी की तबीयत का था तो कह रहे हाँ वो शरीर भी पहले देखना पड़ता है, मैं कह रहे जल्दी चक्कर लगाना मम्मी के साथ आना, चाय पीजे चाय और रस, हाँ जी चलो। परी अभी अभी सो रही है और सुबह से नहीं मिली मैं परी से नहीं मिलती ना, दिन अधूरा अधूरा जाता है, हाँ मेरी थोड़ी ही रखना। गाइस अभी आई थी ऊपर कपड़े चेंज करे, और वैसे तो मतलब ना मेरे को ना पूरा दिन भर मतलब अगर मैं घूम रही हूँ तो पहन लूँगी जो मर्जी कपड़े पहन लूँ, कंफर्टेबल रहती, घर आती ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे अपने नाइट सूट ही चाहिए होता है, तो बहुत से कमेंट्स आते ही थे कि घर पे तो आप हमेशा ही नाइट सूट पहनते हो, रेडी होकर नहीं रहते, बिकॉज ये ना मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे ना कुछ होने लग जाता है, मैं घर पर ना कभी भी रेडी होकर बैठ ही नहीं सकती, मुझे हमेशा ना कंफर्टेबल वाले कपड़े ही चाहिए थे, लॉन्च वेयर्स हो गए, नाइट सूट हो गए, ट्रैक सूट हो गए, इनमें ही मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। अब सर्दियाँ तो जा रही है, अब गर्मियों में मैंने यही सोचा कुर्तीज लाऊंगी, कुर्तीज सेट्स ना कॉटन वाली और ब्रीदेबल फैब्रिक भी रहता है प्लस कंफर्टेबल भी रहता है, अब गर्मियों में फिर वही स्टार्ट करूंगी। बट सीरियसली गाइस मैं घर पर बिल्कुल भी रेडी होके नहीं बैठ सकती कि ऐसे टिप टॉप हो गए सूट वूट में जीन्स वीन्स में टाइट लगता है उठते बैठना, अब इसमें बंदा ऐसे वैसे जैसे मर्जी लेट ले सब सही रहता है। गाइस हम लोग डिनर करके ही फ्री हुए हैं एंड आज सुबह से मैं परी से नहीं मिली, अब जाके मुझे मिली है परी, अभी उठी है परी, चाची से नहीं मिले, तो कोई होश नहीं है, कुछ चाची की कुछ नहीं पड़ी इसको, क्योंकि इसका ये मॉन्की वाला चल रहा है ना, है चाची से बात नहीं करनी, नहीं देख लिया नहीं करनी, तो चाची पारी कर दे, पारी कर दे चाची, हाँ चिलिया डोगी, चाची पारी कर दे एक बार, नहीं अच्छा चाची आज पारी भी नहीं कर सकती, गली पार ले चाची, तो चाची क्या करे, चाची बस देखे, वो देखो मुंह फेर लिए, इतना शर्माती है मुझसे, इतना शर्माती है, अरे वो
परी हाँ जी गाइस ऊपर आ गए थे एंड मुझे आ रही है बहुत जोरों की नींद, बट अभी वीडियो एडिट करनी है, वीडियो एडिट करके फिर मैं सोती हूँ। तो इसी के साथ ये वाला जो ब्लॉग है करती हूँ मैं यहीं पे एंड। जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय।